हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन को हैंग होने से कैसे बचा सकते हो। इस सेटिंग को करने के बाद आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको ऊपर की ओर आपका आईडी का आइकन दिखाई देगा, ईमेल आईडी का, उस पर टैप करना है। इसके बाद आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है, तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर टैप करना है। इसके बाद आपको नेटवर्क प्रेफरेंस दिखाई देगा, उस पर टैप करना है। अब आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस, एक ऑटो अपडेट ऐप्स। तो आप ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस पर टैप करोगे। इसके बाद आप ओवर वाईफाई ओनली कर दोगे या आस्क मी एवरी टाइम कर दोगे। तो मैं यहाँ पर आस्क मी एवरी टाइम कर देता हूँ, और आप ओवर वाईफाई ओनली भी कर सकते हो। इससे आप जब भी कोई ऐप डाउनलोड करोगे तो आपसे पूछेगा, और वो वाईफाई से डाउनलोड होगा सिर्फ। यदि आप तीसरे ऑप्शन करते हो आस्क मी एवरी टाइम, तो जब भी आप कुछ डाउनलोड करोगे तो आपसे पहले परमिशन मांगेगा, फिर ही आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आस्क मी एवरी टाइम कर देता हूँ। यदि आप ओवर वाईफाई ओनली करोगे तो वाईफाई से डाउनलोड होगा सिर्फ। ठीक है फ्रेंड, इसको मैं आस्क मी एवरी टाइम कर देता हूँ। इसके बाद आप नीचे की ओर ऑटो अपडेट ऐप्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर टैप करेंगे। अब आपको इस पर डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स करने हैं। इसके बाद इसको डन कर देना है। इसको करने से यह होगा कि आपके फ़ोन में कभी भी नेट आने पर ऑटो अपना आप ऐप डाउनलोड नहीं होगा। इसका मतलब यही है ऑटो अपडेट ऐप्स, तो कभी भी अपने आप कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं होगा। इसको आप कर दोगे तो आपसे हमेशा पहले परमिशन मांगेगा, फिर वो डाउनलोड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका फ़ोन भी हैंग नहीं होगा इसको करने से। तो इसको यहाँ से हम डन कर देंगे। अब हमारे फ़ोन में सेटिंग्स लग चुकी है। इसके बाद आपका फ़ोन हैंग होने से बच सकता है, और आपका फ़ोन बहुत कम हैंग होगा। इसके बाद आपको दूसरी सेटिंग और कर देनी है। आपको अब सेटिंग्स ओपन करनी है। फ़ोन की सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। अब आपको नीचे की ओर ऐप्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर टैप करना है। अब आपको मैनेज ऐप्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर टैप करना है। इसके बाद आपको कोई भी ऐप ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है, तो यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करना है। इसके बाद आपको इन तीनों को डिसेबल कर देना है, या आप सिम फर्स्ट से नेट चलाते हो तो उसमें कर लोगे, सेकंड चलाते हो सेकंड में कर लोगे, वाईफाई से करते हो तो वाईफाई कर लोगे। इससे आपका फ़ोन की स्टोरेज बचेगी और हैंग बहुत कम होगा, तो आप इसको भी कर सकते हो। यदि आप तीनों हटा दोगे तो यह नेटवर्क डाउनलोड नहीं होगा। तो आप यहाँ पर सिम डाटा भी रख सकते हो, जिससे भी आप करना चाहते हो। तो जैसे मैं फर्स्ट रखता हूँ, आपके सिम में जिसमें बैलेंस डलवाते हो आप रिचार्ज का, उसको ही आप ओपन कर लोगे और सेट कर लोगे। इसके बाद आप, ये आपकी दूसरी सेटिंग्स हो चुकी है। इसी तरीके से आप सारे ऐप में यह कर लोगे प्रोसेस, तो आपका ये ठीक हो जाएगा और हैंग होने से बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये सेटिंग्स अपने फ़ोन में ज़रूर कर लोगे। ये दोनों सेटिंग्स करने के बाद आपका फ़ोन बहुत कम हैंग होगा। तो आप ये सेटिंग्स ज़रूर कर लेना अपने फ़ोन में, आपका फ़ोन इससे हैंग होने से बचेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल का आइकन दबा लेना, जिससे आपको आगे भी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।